एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग आ जा रहे हैं आरा के दशहरा घूमने। और मेरा भाई भी है। भाई टाइम कितना हो रहा है? रात 11:30 बज रहे हैं। उल्टा दिख रहा है। 11:30 बज रहे हैं। हाँ, 11:30 बज रहे हैं। और हम लोग जाएंगे घूमने। घूमने जाएंगे। मेरे सब दोस्तों ने अभी दुकान बंद कर आया हूँ। अभी दुकान अभी लेट हो गया। सब हमारे वेट कर रहे थे। सब दोस्त वेट कर रहे। हम भाई अभी दुकान पर से आए। दुकान बंद किए और दुकान बंद कर आए और जाएंगे सारा घूमने। और अब वीडियो में एंड तक बन रहा है। हम बहुत सारे आरा के पंडाल और सब बताएंगे। पंडाल कहाँ गए, क्या है, वे है सब बताएंगे। वीडियो बन रहा है। हम निकलेंगे आरा की ओर। और आरा ये शुरुआत होगा मेला में। हम दिखाएंगे आरा का साल, दिखाएंगे वीडियो बन रहा है। आरा का गांधी का यह सीन है, ठीक है भाई लोग। नाइट है। आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, बट ये आरा का गांधी पुल है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आरा के मीरगंज में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। दुर्गा माँ का पंडाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्प्रिंग का मूर्ति दिखाया जाता है। मीरगंज का सीन है। आरा के आयरन देवी मंदिर में जाएंगे। यही रास्ता जाएगा आरा का आयरन देवी मंदिर। आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। आप बने रहे हैं। आयरन देवी मंदिर के पास ये मूर्ति रखाता है माता रानी का। ये आयरन देवी मंदिर के पास है। आयरन देवी मंदिर है। एक अंदर हम जा ना पाए, बहुत भीड़ बा भाई। मैं जाए के कोशिश करम भाई। ये आयरन देवी मंदिर है। ये माई आयरन देवी। ये भैया आरा का मंदिर है, देख सकते हैं आप। यही आरा का मंदिर है। ये आरा के चौक के सीन है भाई। यह आरा के घंटा घर का पंडाल है। गोपाली कुआं उसको बोलते हैं हम लोग आरा के। जी हुमाई, हम आरा के सदर अस्पताल के तरफ अब जा रहे हैं हम लोग। अब आरा के सदर अस्पताल में, सदर अस्पताल के सब जा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं भाइयों। आप वीडियो बने रहे भाई।
आइयो, यह महावीर टोल आरा के महावीर टोला का है। बगल में है और हम जाएंगे रामनगर मैदान में, आपको हम रामनगर मैदान का सीन दिखाएंगे। आप वीडियो बन रहे हैं, सब दोस्त सब साथ में पूरे सब घूम रहे हैं, आप वीडियो बन रहे हैं, हम दिखाते हैं रामनगर का सीन। महाराजा कॉलेज आरा, महाराजा कॉलेज टॉप, यह आरा का पार्क व्यू होटल है, पार्क व्यू और रीगल होटल दोनों पास ही में है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब हम रामना मैदान की ओर जाएंगे, ये रामना मैदान का आरा का रामना मैदान का सीन है, देखिए रात का समय है, रामना मैदान का सीन है, ये बहुत कम भीड़ है, देख सकते हैं। कहा यार निशने का हम लोग सोचे कि जाएंगे आरा के रामना मैदान में, डिजीलैंड के मेला में घूमेंगे और झूला खेलेंगे, सब मजा किरकिरा हो गया, लेट समय गए थे, सब बंद हो गया था, अब जाएंगे घर, क्या करें, सोचे कि जाकर जूलो लोग खेलेंगे, थोड़ा मजा आएगा। यही डिजीलैंड मेला है जो देख रहे हैं बगल के साइड में, जो अति बड़ा उसके नीचे जो घिरा हुआ है वही डिजीलैंड मेला, वो तो मेला पैदल घूमने में मजा है, वो बाइक से घूमने में मजा नहीं, हम लोग डिसाइड किए थे ना बाइक से घूमेंगे, लेकिन हम उससे चलो पैदल घूमते हैं, पैदल में मजा एंजॉय लेंगे पूरा, चलो आराम से घूम के देखेंगे आरा का नजारा, आरा का नजारा बहुत आज से चल सकता है, लगा था कि दम चला, और आप सीन दिखाएंगे तो बन आपको दिखाए, और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम भाई हैं और सब आइसक्रीम वाले भाई हैं, आइसक्रीम भाई नहीं है, और हम घर को निकलेंगे, ज़्यादा टाइम भी हो गया है, आगे होटल है, होटल में कुछ खाएंगे और खा कर घर निकलेंगे, अभी वीडियो बने रही है, अभी दिखाएंगे, अभी बाकी है, अभी कुछ कुछ खाने वाले हम लोग खाएंगे, तब ना घर जाएंगे, तब ना मेला बनेगा, खाते हैं मने रहे वीडियो में मेरा, दो दो आइसक्रीम खा रहे हैं। अरे यार तबीयत खराब हो जाएगा यार। मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आपको हम आरा का मतलब पूरा हिस्सा नहीं दिखा पाए, चना पकड़ी उकड़ी मतलब नहीं दिखाए, बाजार समिति जीरो माइल मतलब कहीं नहीं दिखा पाए आपको, अब सब मतलब मैंने बहुत दुख बात है, हम दुकान से और आए थोड़ा थक गए थे, इसलिए पूरा आपको आरा के लोग से नहीं दिखा पाए, सुबह में मतलब कि हम लोग दुकान पर गए थे
8 बजे के करीब। हाँ हाँ। और उधर रात में आए 11 बजे, साढ़े 11 बजे आए और खाना वाना खाए और साढ़े 11 बजे करीब में हम मतलब कि उधर से मेला घूमने के लिए गए, ठीक ना। तो फिर अभी के मतलब कि बज चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ 3 बज गए हैं और अभी नहीं सोएंगे तो कल भी दुकान पर जाना है। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर। और आप लोग आरा का दशहरा करते हुए, और आप लोग आरा का दशहरा देखने में कैसा लगा कितना कमेंट बताएं। और आपको आपको आरा से मतलब आरा के मतलब जैसे वीडियो मेरे आते रहेंगे आपके मेरे इस चैनल पे, आप वीडियो बना रहे, धन्यवाद भैया।